Hello guys, welcome back. That our topic is where does photosynthesis occur, and we detail here that 13.3. We follow NCRT and we discuss. That's an important topic because ये जो टॉपिक है आपका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करता ही है. कहाँ पे ग्रेना, कहाँ पे ये सब पाया जाना और कौन सा पार्ट होता है वो हम जब फोटोसिस्टम 1 और 2 पढ़ेंगे तब उसको डिटेल करेंगे. बट उससे पहले आपके लिए यहाँ पे एक चीज क्या है, ये आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ डायग्राम है आपके पास क्लोरोप्लास्ट का. इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ और क्लोरोप्लास्ट इसकी डिटेल की गई, इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनमें से जो मेन पार्ट वो तीन है, वो कौन कौन से हैं. वन इज ग्राना, सेकेंड इज स्ट्रोमा फ्लूड, स्ट्रोमा फ्लूड, एंड थर्ड इज स्ट्रोमा लेमेले. तीन पार्ट जिनमें से इस ग्राना के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, दैट इज ए इनर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्ट्रोमा, दैट इज ए स्पेस, दैट वाइट स्पेस इज ए स्ट्रोमा. यानी इन अदर जितने पार्ट्स हैं सबों को छोड़ के सारा का सारा पार्ट क्या है, स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, यानी नाइट टाइम में जो एक्टिविटी होती है वो सारी सारी कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है. ग्राना, ग्राना वो वाला पार्ट होता है जो ग्रीन होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वो ग्राना पोर्शन होता है. इट इज लाइक ए पिल्स ऑफ कॉइन, पाइल्स ऑफ कॉइन, यू नो अबाउट दैट, दैट इज ए मैनी कॉइन्स आर अपॉन वन अनदर, दैट दे विल फॉर्म ए पाइल्स ऑफ कॉइन like this, they will be arranged in a grana, that's a granule. And the connecting link between the two piles of coin, that bridge is called stroma lamellae. And this is a starch granules, and this is a whole diagram of chloroplast. Okay, हमने यहाँ पे लिखा है where does photosynthesis takes place. अब आपको अपने language में सुने भाई, फोटोसिंथेसिस आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपने ये पढ़ा कि प्लांट की जो लीफ होती है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, पाया जाता ना. तो प्लांट्स की लीफ के अलावा उन अदर पार्ट्स में भी होता है जो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं. और ग्रीन वो वाले पार्ट्स होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते होंगे. भाई क्लोरोफिल होगा तभी तो ग्रीन है, और क्लोरोफिल नहीं है तो ग्रीन तो होगा नहीं, डिफरेंट कलर होगा उसका. तो इस रीजन से हम ये कह रहे हैं कि अगर वो ग्रीन है तो ग्रीन किस रीजन से है, आप इस चीज को याद रखें. यही प्लांट का जो अर्ली स्टेज में जो प्लांट होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, दैट इज आल्सो सो ए फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज. ओके, यानी हम लीफ के अलावा कह सकते हैं कि जो अदर पार्ट्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं दैट विल बी सो फोटोसिंथेसिस. तो ये चीज आप जनरली याद रखें. दूसरा हम ये बात करते हैं कि प्लांट की जो लीफ होती है वो कंटेन, प्लांट की लीफ के अंदर आपने दो पार्ट्स, हम एक की बात करते हैं जैसे मेजोफिल सेल की बात करते हैं. ओके, एक तो अलग हम बंडल सीड सेल की बात करेंगे, वो आगे बात करेंगे, बट फिलहाल हम मेजोफिल सेल की बात कर रहे हैं. मेजोफिल सेल जो होती है दैट विल कंटेन ए हायर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उनके पास हायर नंबर में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. कौन सी सेल में, मेजोफिल सेल में. लीफ के अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती है, इन C3 प्लांट दैट इज ओनली मेजोफिल सेल, बट इन C4 प्लांट बोथ मेजोफिल एंड बंडल सीड सेल. ओके, दो टाइप की सेल पाई जाती है, जिनमें से मेजोफिल सेल की बात कर रहे हैं तो मेजोफिल, जनरली C3 प्लांट की बात करें तो C3 प्लांट में मेजोफिल सेल पाए जाते हैं. तो मेजोफिल सेल में क्या पाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. अब क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, दीस क्लोरोप्लास्ट विल बी अरेंज अलाइन द वॉल ऑफ क्लोरोप्लास्ट लीफ, लीफ के मेम्ब्रेन के सरफेस पे. लाइक ये लीफ है, ओके, इस लीफ के इस वाले सरफेस पे ये क्लोरोप्लास्ट ऐसे ही लेटा होगा. बिकॉज क्यों, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी इंसिडेंट ऑन इट. अगर ये, इसको मैं सीधा कर दूं, ओके, जैसे अगर ये ऐसे कुछ, अगर मैं इसको यू कर दूं और सनलाइट इधर से आ रही है, ओके, तो सनलाइट यहां पे तो इसी सरफेस पे गिर रही है, यहां पे गिर रही है क्या, तो अगर यहां पे गिर रही है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा. ओके, इसके ऊपर लाइट कम गिरेगी तो फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है. इसलिए ये जो होते हैं ग्राना, ये यू अरेंज होते हैं. ओके, यानी ये एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर ऐसे ऐसे प्रेजेंट है पैचेस की फॉर्म में, या फिर इसके यहां पे प्रेजेंट है,
और ऐसे क्यों प्रेजेंट है, ये वॉल के अलाइन, लाइन याद रखना, अलाइन प्रेजेंट होते हैं, वॉल के अलाइन प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट्स विल बी इंसिडेंट ऑन दिस क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई। ये चीज आप यहां पे पढ़ते हो। अब हम एक चीज बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जनरली कंटेन ए, क्लोरोप्लास्ट जनरली मेम्ब्रेनस सिस्टम, मेम्ब्रेन पार्ट, ओके। इन एट चैप्टर यू डिटेल दिस टॉपिक, दैट that it is a double membrane bound structure, there is a double membrane bound structure is a chloroplast, and also you detail mitochondria, mitochondria is also a double membrane structure, so both will be structure a double membrane and semi autonomous organ organelle, to ye do aap wahan pe padhte ho। to unme se kya hai, chloroplast is a membrane system and that will be contain a grana, grana is a green and photosynthetic part, okay, here light reaction will present, grana mein light reaction hoti hai, grana and stroma lamela light reaction hoti hai, kyun hoti hai, yaad rakhne ka tarika batata hu, pehli cheez to aap padhte ho ki grana jo hota hai green hota hai na, aur ye aapko green hi dikh raha hai, to grana green hota hai aur green hone ki wajah se photosynthetic activity karega, यानी लाइट की प्रेजेंस में काम करेगा, लाइट होगी तो ये ग्रीन कलर पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो मैंने एक चीज समझाया, वो चीज समझना, याद रखने के लिए बोल रहा हूं। मान लो सनलाइट इसके ऊपर गिरी जाए, ओके, गिर तो रही स्ट्रोमा पे भी है, लेकिन स्ट्रोमा ग्रीन नहीं है, मैं ही कह रहा हूं वही फ्लूइड है, वो ग्रीन नहीं है, ओके। और फ्लूइड जो होता है वो कलरलेस होता है, फिर येलोइश टाइप का होता है और फोटोसिंथेसिस नहीं करता। अब ये बोल रहा हूं कि जो ये ग्रीन कलर का है ये पोर्शन, ये फोटोसिंथेसिस शो करेगा, तो मैंने बोला ग्राना भी शो कर रहा है बिकॉज ग्रीन है। दूसरा दिस स्ट्रोमा लेमेला इज आल्सो शो ए फोटो लाइट रिएक्शन, ओके। तो यहां पे हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन के लिए और एक डार्क रिएक्शन को। तो पहला ये हम आगे डिटेल करेंगे लाइट रिएक्शन, एंड सेकेंड पढ़ेंगे आप डार्क रिएक्शन, ओके गाइज। तो उनमें से मैंने पहले बोला कि लाइट रिएक्शन किस किस के अंदर होती है, तो इसके अंदर लाइट रिएक्शन होगी और स्ट्रोमा लैमेले के अंदर लाइट रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि ये भी क्या पार्ट है, सनलाइट गिरेगी तो इसके ऊपर भी तो सनलाइट गिरेगी डायरेक्टली, और इसके ऊपर भी सनलाइट डायरेक्टली गिरेगी, तो ग्रीन पार्ट और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी शो करेगा। बट स्ट्रोमा विल बी ए नॉन कलरलेस, बोल दिया मैंने, तो ये इट विल बी शो ए डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, और लाइट रिएक्शन कौन सी होती है, इस ग्राना में और स्ट्रोमा लेमेले में होती है। जब फोटो सिस्टम वन पढ़ेंगे टू पढ़ेंगे तो वहां की एक चीज बताता हूं मैं आपको, वहां पे भी एक चीज होगा, वहां पे पूछा जाता है फोटो सिस्टम वन कहां प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम टू कहां प्रेजेंट होता है, उसको अभी थोड़ा यहां समझ लें। तो फोटो सिस्टम वन और टू क्या सिस्टम है वो समझो, मैंने कहा दैट इज ए पाइल्स ऑफ कॉइन, ये पाइल्स ऑफ कॉइन है, देखो एक दो तीन चार पाइल्स ऑफ कॉइन है ना। अब मैंने बोला सनलाइट गिरी तो इस पे गिर रही है, इस वाले सरफेस पे गिर रही है, यानी ग्राना है, तो ग्राना का जो पार्ट है वाला जो नॉन अप्रेस्ड जो किसी से कवर्ड नहीं है वो पार्ट कौन सा, ये वाला है। तो ये यहां पे कौन कौन सा सिस्टम पाया जाएगा, फोटोसिस्टम वन पहला पाया जाएगा ना। इस स्ट्रोमा लेमेले सनलाइट डायरेक्टली गिर रही, तो यहां पे कौन सा सिस्टम पाया जाएगा, फोटोसिस्टम वन, भाई लाइट गिर रही तो वहीं पे फोटोसिस्टम वन। बट मैंने बोला इन बिटवीन दिस अप्रेस्ड पार्ट यानी जो कवर्ड है, दिख रहा है इन दो के बीच का डार्क रिएक्शन होगी ना, तो फोटोसिस्टम टू कहां पाया जाएगा, अप्रेस्ड रिएक्शन, ओके, अप्रेस्ड पार्ट, यानी ये जो अप्रेस्ड पार्ट है इस पे कौन सा रीजन पाया जा रहा है, इस कवर्ड रीजन पे कौन सा पाया जा रहा है, फोटोसिस्टम टू। तो आपको एक चीज याद रखनी, फोटोसिस्टम वन कहां पाया जा रहा है, एक तो इस नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे कौन कौन सा सिस्टम पाया जा रहा है, फोटोसिस्टम वन, एंड इस स्ट्रोमा लेमेले पे कौन सा सिस्टम पाया था, यानी ग्राना के अंदर ही बता रहा हूं मैं, ये ग्राना का पाइल्स ऑफ कॉइन है, इसी में फोटोसिस्टम 1 एंड 2 पाया था, तो जो इसका नॉन अप्रेस पार्ट है और जो इसका स्ट्रोमा लेमेले है, दैट इज स्ट्रोमा लेमेले, इन दोनों पे कौन सा, फोटोसिस्टम 1, और जो इसका अप्रेस पार्ट है उस पे कौन सा, फोटोसिस्टम 2। तो ये चीज आप थोड़ा याद रखना आगे की वीडियो के लिए, वहां पे बहुत जरूरी होगा, ओके। नाउ वी क्लोरोप्लास्ट इज ए membrane system and that is it contain grana, grana हमने डिटेल कर लिया क्या है, second stroma fluid, stroma या fluid of stroma, that is this stroma fluid, here dark reaction will be present,
dark reaction. What is the dark reaction? Because light reaction is a that process where photosynthesis will occur, and this reaction will be present in the presence of light. That it will be form a ATP and NADPH2, NADPH, है ना? यानी light reaction के जो product होते हैं, light reaction के जो product होते हैं, वो product क्या होते हैं? वो आप याद रखिए, ATP and NADPH 2 मैंने लिख दिया, NADPH2, ये product किसके होते हैं? Light reaction के. But dark, ये कब बनते हैं? जब light available होगी. But मैं dark reaction की बात करता हूँ, dark reaction में तो light होती नहीं है. लाइट नहीं होगी तो ना एटीपी बनेगी और ना ही एनएडीपीएच2 बनती है. इसलिए हम कहते हैं इन अ डार्क इन अ लाइट रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच2. बट इन डार्क रिएक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच2. दैट्स व्हाई डार्क रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन ऑन लाइट रिएक्शन और प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. तो हम अलग अलग सेंस में कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन भी डिपेंड करता है या फिर उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. डायरेक्टली तो प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, बट इनडायरेक्टली हम वैसे कह सकते हैं कि उसकी जो मेन नाम है लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है. तो आप ये चीज समझ सकते हो, ठीक है? तो स्ट्रोमा फ्लूइड हो गया, डार्क रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा लेमेले, इसको भी हमने डिटेल कर ली है कि कौन कौन सी प्रोसेस कहाँ पे इन्वॉल्व होती है. तो गाइस ये हमारा टॉपिक क्लोरोप्लास्ट का, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. आपने ये चीज पढ़ा है. फोटोसिस्टम 1 और 2 हम आगे डिटेल करेंगे, ओके? कौन सा पार्ट किसका है वो आप अच्छे से पढ़ें, है ना? एज फोटोसिस्टम 1 और 2 मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, आगे हम दोबारा डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा दोबारा से, क्योंकि जितनी बार रिवीजन होती है उतना ही बेस्ट होता है. तो वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से कंटिन्यूसली देखें तो आपको समझ में आएगा ना. तो वैसे ही करें, प्रोडक्ट हो गया, बट डार्क रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ओके? और हमारे इस वीडियो को अगर आपको समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि समझाया आपके लेवल का ही है, ओके? हम एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं, मैं अभी ये बोल रहा हूँ आपको. एनसीईआरटी से टच में ही क्वेश्चन आते हैं, मैं टच का भी पढ़ा रहा हूँ, बाहर से भी जो लिंक है वो भी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक, जैसे आपके लास्ट चैप्टर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में मैंने कुछ ना कुछ मैन मैन लाइनें थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो बाहर से पूछी जा रही थी, मैंने वहाँ पे भी लिखी थी कुछ मेजर करने वाले, पोटोमीटर, पोरोमीटर, मैनोमीटर, ये सारे मैंने वहाँ पे डिटेल किया था. उसी टाइप से हम इस वीडियो में भी, अपने कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टाइप से आपको जिक्र करूँगा इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स. तो हमने अभी 13.3 करा है, नेक्स्ट हमारा 13.4 होगा. तो गाइस जितना इसको हो सके शेयर करें अगर आपको समझ में आए तो. उम्मीद है आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुँचाएंगे, क्योंकि समझ में आता है तो ही बेस्ट है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो सेव, ओके? देखा, इग्नोर करा, जाओ, ठीक है? और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 13.4 में. तो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू दोस्त.